नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट में OCD भी कहते हैं, और ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग का एक टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें दो टर्म जो हैं वो यूज़ आती है मेनली, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। तो ऑब्सेसिव का मतलब क्या होता है? ऑब्सेसिव रिलेटेड है थिंकिंग प्रोसेस से, ऐसे थॉट, ऐसे विचार आना जो बाध्य करते हों किसी एक्ट को करने के लिए। जैसे कि एक व्यक्ति के दिमाग में विचार आ रहा है कि उसको अपना हाथ साफ करना है, और तो वो लगातार उसके दिमाग में जो विचार आता रहता है उस थॉट को तो हम कहते हैं ऑब्सेशन। और जो इस थॉट को क्रियान्वयन के लिए जो एक्शन होता है वो एक्ट करता है व्यक्ति, अपने हाथों को धोता है बार बार, उसको कहते हैं हम कंपल्सन। तो ये जो डिसऑर्डर है ये इसी पे बेस्ड है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। ऑब्सेशन मतलब थॉट से रिलेटेड और कंपल्सिव मतलब एक्शन से रिलेटेड। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर OCD इज़ कैरेक्टराइज बाय रिपीटिटिव अनवांटेड थॉट्स। किसके द्वारा कैरेक्टराइज होती है? रिपीटिटिव मतलब लगातार आना, अनवांटेड मतलब वो व्यक्ति चाह नहीं रहा है लेकिन फिर भी उसके अंदर वो थॉट आ रहे हैं, रिपीटिटिव अनवांटेड थॉट। ये क्या कहलाते हैं? ऑब्सेशन। एंड इरेशनल एक्सेसिव अर्जेस टू डू सर्टेन एक्शंस। इरेशनल मतलब कि कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, एक्सेसिव अर्ज बहुत ज़्यादा उसको इच्छा होती है उस काम को करने की, सर्टेन एक्शन उस एक्शन को करने की, तो इसको हम कहते हैं कंपल्सन। तो OCD क्या है? इज़ कैरेक्टराइज बाय रिपीटिटिव अनवांटेड थॉट्स एंड इरेशनल एक्सेसिव अर्जेस टू सर्टेन एक्शन। थॉट ऑब्सेशन, एक्शन कंपल्शन। नेक्स्ट आता है OCD इज़ एन एंजाइटी डिसऑर्डर है ये एक। अब एक इसका एक साइकिल होता है, द विशियस साइकिल ऑफ OCD। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप होती है ऑब्सेसिव थॉट्स, सेकेंड एंजाइटी होती है व्यक्ति में, थर्ड है कंपल्सिव बिहेवियर करता है वो, और फोर्थ पे आता है टेम्परेरी रिलीफ। उस एक्शन को करने के बाद में उसको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है उस चीज़ से। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के दिमाग में ऑब्सेसिव थॉट आ रहा है कि उसको हैंड वॉश करना है, देन उसको क्या होती है? एंजाइटी होती है कि उसको हैंड वॉश करना है। थर्ड कंपल्सिव बिहेवियर, वो एक्शन में ले आता है, हैंड वॉश करता है। फोर्थ में टेम्परेरी रिलीफ, हैंड वॉश करने के बाद में उसको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरह से ये OCD का साइकिल चलता है। नेक्स्ट आता है ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर एसोसिएटेड विद OCD जनरली लास्ट मोर देन एन आवर। एक घंटे से ज़्यादा का टाइम उसमें स्पेंड करता है वो पर्टिकुलर पेशेंट ईच डे एंड इंटरफेयर विद डेली लाइफ। हर दिन एक घंटे से ज़्यादा का टाइम इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर में उसका यूज़ होता है, और उसके बाद में ये सब चीज़ें क्या करती हैं उसकी जो डेली लाइफ होती है, डेली रूटीन होता है उसका, उसमें इंटरफेयर करती हैं। तो इस तरह से OCD का डायग्नोसिस भी बनता है कि हर दिन एक आवर से, एक घंटे से ज़्यादा समय तक वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर करता है और उसकी डेली लाइफ इससे इंटरफेयर होती है। तो ये डायग्नोसिस का पॉइंट भी बनता है OCD के केस में। नेक्स्ट है OCD रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड। अब OCD के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, किन कारणों से ये हो सकता है? ए पेरेंट, सिबलिंग और चाइल्ड विद OCD। पेरेंट है यदि, सिबलिंग उसके बहन भाई हैं या चाइल्ड है तो OCD हो सकता है। फिजिकल डिफरेंस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फिजिकल डिफरेंस इन सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन मीन्स ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होना, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सीरोटोनिन है उसके लिए वो जो ब्रेन है वो अनअफेक्टेड रहता है, उससे
ठीक ढंग से उसके प्रति रिएक्ट नहीं कर पाता, ओसीडी के केस में देखा गया है। नेक्स्ट डिप्रेशन है, एंजाइटी है और टिक्स है उसको। एक्सपीरियंस विथ ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हुआ है उसकी ज़िंदगी में। ए हिस्ट्री ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ एज ए चाइल्ड, और जब वो चाइल्ड था उस वक्त उसको वो कोई फिजिकल अब्यूज़ हुआ है उसके साथ या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है उसकी हिस्ट्री है, तो इन कंडीशंस में ओसीडी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, सीरोटोनिन ये इसके लिए मेन रोल प्ले करता है। तो रिस्क फैक्टर्स में हमने पढ़ा कि पेरेंट्स या सिबलिंग हैं तो हो सकता है। इसके अलावा सीरोटोनिन से नॉन रिएक्टिव होता है एक तरह से ब्रेन का पार्ट, और डिप्रेशन या एंजाइटी है, टिक्स है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है पास्ट में या फिर फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है एज ए चाइल्ड। नेक्स्ट आता है, पीपल विद ओसीडी हैव थॉट्स और एक्शन दैट टेक अप एटलीस्ट एन आवर ए डे, कम से कम 1 घंटे उसमें बिताता है। आर बियॉन्ड कंट्रोल, और उसके कंट्रोल में नहीं होता है। आर नॉट एन्जॉयबल, और उसको वो एन्जॉय भी नहीं करता है। इंटरफेयर विद वर्क एंड सोशल लाइफ, और उसके वर्क में और सोशल लाइफ में वो इंटरफेयर करता है। तो ये होता है ओसीडी की केस में, व्यक्ति के संदर्भ में ये चीज़ें हैं कि वो 1 घंटे से ज़्यादा इस एक्ट में बिताता है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये इसके लिए एंजॉयबल नहीं होता है, और वर्क और सोशल लाइफ में इंटरफेरेंस होता है इससे। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, टिपिकल ऑब्सेशन और टिपिकल कंपल्सन। तो ऑब्सेशन में कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं और कंपल्सन में भी कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं। ऑब्सेशन में क्या क्या है, फियर ऑफ गेटिंग कंटामिनेटेड बाय पीपल और द एनवायरमेंट, उसको डर रहता है कि वो लोगों के द्वारा कंटामिनेटेड तो नहीं हो रहा या फिर एनवायरनमेंट से उसको कंटामिनेटेड तो नहीं हो रहा, ये उसके दिमाग में थॉट आता रहता है। डिस्टर्बिंग सेक्सुअल थॉट और इमेजेस आती हैं उसके। फियर ऑफ इंसल्ट, इंसल्ट का फियर होता है, कोई भी जैसे 5-7 लोगों के बीच में बैठा है या कोई परफॉर्मेंस देनी है तो उसको हमेशा फियर रहता है इंसल्ट का। नेक्स्ट है, एक्सट्रीम कंसर्न विद ऑर्डर सिमेट्री और प्रिसीजन, वो एकदम से ध्यान रखता है कि हर चीज़ जो भी उसके सामने वो ऑर्डर में हो, एक सिमेट्री में हो, हर काम वो प्रिसीजन से करना चाहेगा। तो वो एक्सट्रीम कंसर्न है, बहुत ज़्यादा लेवल पर, एक नॉर्मली ऑर्डर में रखना, नॉर्मल वो रखना एक नॉर्मल व्यक्ति का साइन है, लेकिन यदि वो एक्सट्रीम कंसर्न हो जाए, एक चिंता का विषय हो जाए उस व्यक्ति के अंदर, तो वो आता है ओसीडी में। रूमिनेशन एंड इंट्रूसिव थॉट्स, उसके हिंसक उसके विचार आते हैं, लड़ाई झगड़े वाले। फियर ऑफ लूजिंग और डिस्कार्डिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, और उसका हमेशा डर रहता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट उससे छूट तो नहीं जाएगा, कुछ वो डिस्कार्ड तो नहीं हो जाएगा, लूज तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं ऑब्सेसिव सिम्टम्स में। तो ऑब्सेसिव सिम्टम में हमने पढ़ा कि उसको कंटामिनेशन का डर रहता है एनवायरनमेंट से, लोगों से, फियर ऑफ इंसल्ट रहता है, सेक्स और इमेजेस एंड एक्सट्रीम कंसर्न होती है ऑर्डर और सिमेट्री और प्रिसीजन की, कोई भी काम बिल्कुल परफेक्ट, एंड इंट्रूसिव थॉट आते हैं हिंसक प्रवृत्ति के, और उसको कुछ इम्पोर्टेंट होने का डर रहता है। जबकि टिपिकल कंपल्सन जो दूसरी टाइप का सिम्टम है उसमें क्या क्या आते हैं, एक्सेसिव और रिचुअलाइज्ड हैंड वॉशिंग, शॉवरिंग, ब्रशिंग टीथ और टॉयलेटिंग, ये सब चीज़ वो बार बार रिपीट करेगा। हैंड वॉशिंग, किसी में शॉवरिंग का, किसी में टीथ ब्रश करने का, किसी में टॉयलेटिंग का, एंड देन रिपीटेड क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, किसी भी हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट है, कोई भी बर्तन धुला हुआ है उसको बार बार धोना, कोई भी चीज़ कमरा साफ़ है लेकिन उसको बार बार साफ़ करना, इस तरह से जो हाउस होल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको पर्टिकुलर एक व्यक्ति के अंदर उसको रिपीटेटिव क्लीनिंग के थॉट वो करेगा, थॉट नहीं इसमें तो एक्शन ही करेगा वो। नेक्स्ट है, ऑर्डरिंग और अरेंजिंग थिंग्स इन ए पर्टिकुलर वे, और पर्टिकुलर वे में उसको अरेंज करेगा, ऑर्डर में रखेगा पर्टिकुलर चीज़ को। रिपीटेडली चेकिंग लॉक, स्विचेस और अप्लायंसेस, उसको रहता है डर कि कहीं लॉक तो खुला नहीं छोड़ दिया, तो वो बार बार चेक करता है लॉक को,
स्विचेस को चेक करता है, अप्लायंसेस, कोई भी मशीन है जैसे वॉशिंग मशीन हुआ या कोई भी मशीन हो, उसको चेक करना कि वो मैंने बंद कर दी है कि नहीं कर दी है, ये सब चीज़ें वो एक्शन में आती हैं उसके। देन रिपीटेड काउंटिंग टू ए सर्टेन नंबर, एक सर्टेन नंबर को रिपीटेटिव काउंटिंग करना, तो ये सब आ जाता है कंपल्सन में। तो इसमें ये आ गया कंटामिनेशन से रिलेटेड, हैंड वॉशिंग, ब्रशिंग टीथ, टॉयलेटिंग एंड हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट की क्लीनिंग, और यहाँ पर आ गया अरेंजिंग थिंग्स, ऑर्डर देना चीज़ों को, और चेक करना लॉक्स को, स्विचेस को, अप्लायंसेस को, और रिपीटेड काउंटिंग टू ए सर्टेन नंबर। तो इस तरह से ओसीडी के जो सिम्टम है उसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। एक तो था टिपिकल ऑब्सेशन और टिपिकल कंपल्सन। अब पढ़ेंगे हम ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है ओसीडी के, क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। सबसे पहले है साइकोथेरेपी, जिसमें सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके थ्रू पेशेंट को ऐसी कंडीशंस में लेके जाया जाता है जिससे उसको ओसीडी होता है, और उसको उसमें धीरे धीरे उसका कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जरिए। साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। देन है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में आते हैं मेडिटेशन, योगा और मसाज, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। है नेक्स्ट मेडिसिन, मेडिसिन क्या क्या दी जाती है इसमें, SSRI जिसका कि फुल फॉर्म है सेलेक्टिव, एस फोर सेलेक्टिव, एस फोर सीरोटोनिन, आर फोर री अपटेक और आई फोर इनहिबिटर्स, क्योंकि सीरोटोनिन जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है ओसीडी में, तो सेलेक्टिव सीरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर का इसमें मेडिसिन दी जाती है। ये कौन कौन से हैं, सिटालोप्राम, फ्लोक्सेटिन एंड सर्टेलिन, ये इसमें मेडिसिन इम्पोर्टेंट है ओसीडी के केस में। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपको जो टॉपिक हैं इसके, इस चीज़ चैनल पे प्लेलिस्ट में एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसमें ट्रीटमेंट हो गया साइकोथेरेपी, रिलैक्सेशन एंड मेडिसिंस, और साइकोथेरेपी में सीबीटी इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन में SSRI। नेक्स्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बनेंगे इसमें, एंजाइटी, पावरलेसनेस, इनइफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, सेल्फ एस्टीम डिस्टर्बेंसेस, इम्पेयर सोशल इंट्रैक्शन, रिस्क फॉर इंजरी, स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस, ये इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनते हैं ओसीडी के केस में। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या होगा। फर्स्ट लिमिट बट डू नॉट इंटरप्ट द कंपल्सिव एक्ट, उसको लिमिट करने की कोशिश करेंगे कंपल्सिव एक्ट को, लेकिन उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल उसको बिल्कुल मना नहीं करेंगे कि ये नहीं करना है, उसको लिमिट किया जा सकता है लेकिन इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, नहीं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, टीच द क्लाइंट टू यूज़ अल्टरनेटिव कोपिंग मेथड्स टू डिक्रीज एंजाइटी, एंजाइटी को डिक्रीज़ करने के लिए उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का, किसी खेल का या किसी पढ़ने का शौक है, तो उसको अल्टरनेटिव कोपिंग मेथड उसका ढूंढा जाता है और उसको सिखाया जाता है कि जब आपको इस तरह का एंजाइटी हो या इस तरह की चीज़ें हो तो आप ये कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है असेस द क्लाइंट्स नीड केयरफुली, जो क्लाइंट की नीड है उनको केयरफुली असेस करना है हमें। प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट दैट हैज़ स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी एज ए स्ट्रेटजी टू डिक्रीज एंजाइटी, इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जो कि स्ट्रक्चर हो और जिसमें एंजाइटी को डिक्रीज़ करने की प्रोडक्टिविटी हो और उसमें ऐसी स्ट्रेटजी हो, तो कुल मिला के ऐसा एनवायरनमेंट देना जिससे कि एंजाइटी उसकी कम हो जाए पर्टिकुलर पर्सन की। आज का हमारा टॉपिक था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम ओसीडी बोलते हैं, और एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसमें ऑब्सेशन मींस थॉट आना और कंपल्सन मींस उसका एक्शन करना। तो इस तरह की से ये हमने पढ़ा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।